स्टूडेंट, मुझे पता है कि आप सबको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा हमारा लेक्चर 4 के लिए भी। तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी जल्दी से जल्दी आप सबको जो है बिजनेस स्टडी का रेगुलर रूप से आपको वीडियो दें। तो आज जो हमारा लेक्चर है, चलिए आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर जो है हमारा ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है। आप सबको मालूम है दिस इज रामाशीष कुमार, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर 4 है, और लेक्चर 4 में जो है ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो जल्दी से आप मेरा जो है यूट्यूब जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर किसी ने नहीं किया हो तो। ये बहुत गलत बात है डियर स्टूडेंट, आप सबको मालूम है कि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए, और इतना अच्छे से वीडियोस लेकर आते हैं आप सबके लिए, तो इतना सा आपको बनता है। तो पहला जो है हमारे पास है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में जो हम एग्जांपल्स लिए हैं वो है आईटीसी लिमिटेड का। आईटीसी जो है एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, आप सभी को मालूम है, क्योंकि वो एफएमसीजी से लेके बहुत सारे सेक्टर में वो काम करती है कंपनी। आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा अगर ज्यादा नॉलेज चाहिए आप सबको तो, राइट। हमने एक एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ पे बताया है, इस एग्जाम्पल्स को हम लोग लास्ट में करने वाले हैं, तो अभी से आप पूरा वीडियो आप देखिए। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में हमारा आता है सर्वाइवल। सर्वाइवल कैसे इंपॉर्टेंट है? सर्वाइवल जो होता है किसी कंपनी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि कंपनी को सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर सर्वाइवल के टाइम पे अगर वो 2 रुपया कम भी इनकम करता है, बट अगर वो मार्केट के अंदर एक अच्छा रेप्यूटेशन वो बना के रखता है, चीजें अच्छा बना के रखता है, तो डियर स्टूडेंट वो कंपनी एक बहुत बढ़िया सर्वाइवल के लिए माना जाता है। तो आप जो है हम ये बहुत ही ज्यादा मेहनत करके चीजें बना रहे हैं, तो आप इस चीज को पढ़ना मत ना भूलें, क्योंकि हम जो है यहाँ पे वो किताबी चीजें और वो पढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम बैठे हैं आपको कि आपको चीजें समझ में आ जाए, राइट। आप 4 लाइन ही पढ़े, 4 मिनट 5 मिनट का ये वीडियोस देखें, आपको हर टॉपिक पे वीडियो मिलेगा, और ये हर टॉपिक पे वीडियोस आपको जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी रहेगा आपको समझने। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट कैसे इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा। सर्वाइवल के बाद जो है बिजनेस के लिए जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉफिट। अगर आज कंपनी 100 रुपए का अर्न करती है और उसको 90 रुपीज खर्च लगते हैं पूरे ऑपरेशनल को चलाने में, तो 10 रुपए उनका इनकम हुआ, राइट। अब 10 रुपए अगर वो इनकम करेगी तो हो सकता है इन द फ्यूचर इम्प्लॉय को भी एक अच्छा सैलरी दे, और प्लस जो कंपनी जो है पूरी ऑल ओवर इंडिया और बाहर अदर कंट्रीज में भी वो क्या करे कि अच्छा आप वो अपना एक्सपांड कर सकती है, राइट। तो ये होता है प्रॉफिट का मतलब, और बाद बाकी जो है चीजें बहुत कुछ हम आगे बढ़ाने वाले हैं, तो आप देखते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमने एग्जांपल्स आईटीसी का रखा है, जो कि लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ये इस जैसे कि बहुत सारे कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं, पर्सोनल काम करते हैं, बहुत सारे अच्छे 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 पोस्ट पे अच्छे डिजिग्नेशन पे लोग काम कर रहे होते हैं, वो दिन ब दिन कंपनी के लिए काम करते हैं अच्छे तरीके से, तो कंपनी का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उनको एक अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करे, उनका पर्सनल डेवलपमेंट भी अच्छा हो, और वो कंपनी में जो काम कर रहे हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी उनका अच्छे तरीके से कंप्लीट हो, राइट। तो इसलिए बहुत सारी कंपनी जो है इस पर उनको जो है करियर से रिलेटेड और बहुत सारी चीजें अलाउंस होती है जो कंपनी उनको देती है एज अ ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है, राइट। जो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में जो है चीजें वो ये है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। आप एक बार देख लेंगे बुक में, आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है चीजों को समझना। मैनेजमेंट इंक्रीजेज इफिशियंसी, राइट। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। पांचवें पॉइंट्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट। अभी आईटीसी का जो एग्जांपल्स लेंगे उनमें हम आप सबको दिखाएंगे कि आईटीसी किस तरीके से रूरल इंडिया के लिए एक इनिशिएटिव लिया था, जहां पे रूरल इंडिया को एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिला था, और ये इसी को हम क्या बोलते हैं जो है सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो होता है किसी कंपनी के लिए, सोसाइटी के लिए जो चीजें करता है वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स होता है।
तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको ये चीजें समझ में आ जाएगा, राइट? आई एम डैम श्योर. नेक्स्ट बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो हमारा आईटीसी वाला जो अभी हम लोग ने आपको बताया, आईटीसी में क्या है ये, मतलब आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताने का कोशिश करता हूँ. आईटीसी क्या, जैसे कि वो एक फार्मर को इम्पावर्ड करने के लिए एक रूरल इंडिया के फार्मर को ई चौपाल के नाम से इनिशिएटिव लिया, जहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सीएसआर होता है. तो थोड़ा सा मैं आपको स्टूडेंट बता दूं, सीएसआर जो होता है वो कंपनी जैसे कि लेट से कि 100 रुपए कमाती है, तो एक सर्टेन अमाउंट होता है कि 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, कुछ भी वो एक अमाउंट जो है वो क्या होता है कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, राइट, वो चीजें खर्च करे. और वो सीएसआर जिसको हम सीएसआर बोलते हैं, अब कहीं पे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, बाढ़ में कोई कंपनी ने लेट से कि 10,000 रुपए उन्होंने बाढ़ पीड़ित के लोगों को दिया, तो दैट इज सीएसआर एक्टिविटी, राइट? तो ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव्स होता है, जो कि एग्जांपल्स में मैंने आप सबको बोला था कि बताऊंगा. तो ये आईटीसी ने एक सोशल वेलफेयर क्रिएट किया, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, फार्मर के लिए, इंडियन फार्मर के लिए. तो ये इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आई एम डैम श्योर कि आपको ये चीजें समझ में आ जाएगा, राइट? तो जहां तक आपको चीजें जो है, मैं इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ, इसमें मैं ज्यादा चीजें आपको इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप जो, राइट, आप जो स्टूडेंट कोई देख रहे होंगे ना, तो उनको लगेगा कि अरे यार ये वही किताबी चीजें और वही चीजें ये भी बता रहे हैं, तो इसमें डिफरेंट क्या है. तो मैं डिफरेंट करने का इसलिए कोशिश किया हूँ कि यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं, मैं जो 2-4 लाइन बोलता हूँ बस आप उनको सुन लें, और एक बार जो अगर आपको टाइम मिले तो थोड़ा सा भी आप इसको रीड आउट कर ले, इसको पढ़ ले कि आईटीसी ई चौपाल का इनिशिएटिव क्या था, किस तरीके से फार्मर को लिटरेट, इलिटरेट फार्मर जो था उनको लिटरेट करना था, राइट? उनको बहुत कुछ बताना था, जैसे कि कौन से फसल किस समय उगाना चाहिए, वीट का फसल कब करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ये सब कुछ जो है आईटीसी ने ये क्रिएट किया था. तो थैंक्स टू आईटीसी की रूरल इंडिया के फार्मर को ये बेनिफिट मिला. तो चलिए, आई एम डैम श्योर कि आपको ये चीजें बहुत अच्छा लगा होगा, आप समझ रहे होंगे चीजों को. और इसी तरीके से अभी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो स्टे कनेक्टेड. थैंक यू स्टूडेंट, एंड आप सबका बहुत बहुत सपोर्ट रहा है हमेशा. तो आप लोग थोड़ा अच्छे से मन से दिल लगा के पढ़ाई कीजिए, राइट? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.